हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर जिले की गरोड़ से। पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में व मंदसौर जिले में राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। 15 अगस्त पर कोरोना के चलते कम संख्या में लोगों द्वारा एकत्रित होकर के झंडा वंदन किया गया। गरोड़ नगर में नगर परिषद कार्यालय पर गिरीश शर्मा द्वारा झंडा वंदन किया गया। नगर परिषद गरोड़ के समस्त कर्मचारी गण झंडा वंदन में शरीक हुए व राष्ट्रीय गीत गाया। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहने रखे। वहीं गांधी चौक स्थित झंडा वंदन भी CMO गिरीश शर्मा ने किया। वहां पर भी राष्ट्रीय गीत के साथ ध्वजारोहण का प्रोग्राम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। गरोड़ न्याय अधिकारी व न्यायालय कर्मचारी की उपस्थिति में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। माँ सरस्वती व महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनकर ध्वजारोहण किया गया। गरोड़ वन परिक्षेत्र में उप वन रक्षक वन विभाग के कर्मचारी की उपस्थिति में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन उप वन परिक्षेत्र अधिकारी कमलेश सालवी द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्रीय गीत का आयोजन किया गया। गरोड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ध्वजारोहण का प्रोग्राम गरोड़ सिविल हॉस्पिटल चौराहे पर किया गया। झंडा रोहण वरिष्ठ एडवोकेट PC चौधरी द्वारा किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कई सदस्य गण उपस्थित थे। गरोड़ नगर के विभिन्न कार्यालय पर 14 अगस्त रात्रि को ही विद्युत साज सज्जा की जाकर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां की गई। सवेरे सभी शासकीय कार्यालय पर अपने अपने विभाग प्रमुखों द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गीत का आयोजन किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। खास करके राष्ट्रीय पर्व पर स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं जो इस वर्ष इस कार्यक्रम से वंचित रहे। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर प्रतिवर्ष दशहरा मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था जो कि इस वर्ष कोरोना के चलते आयोजित नहीं किया गया। नोवल कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रीय पर्व पर जो धूम रहती थी वह इस वर्ष नहीं दिखाई दी। गरोड़ संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। Yeah.
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन।